नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्या रहती है कोर्स में, एडमिशन के फॉर्म कब भरे जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस साल कोविड के कारण फॉर्म काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म आएंगे, धैर्य बना के रखिए। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी। और डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत जो कोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन सा कोर्स होता है बेहतर, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी 12th पास कर चुके हैं या जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, सभी का कुछ ना कुछ करने का इस समय मन चल रहा है कि हम कौन सा कोर्स करें। कोई अपना BSTC करना चाह रहा है, तो कोई DED करना चाह रहा है, कोई DLED करना चाह रहा है, कोई BED करना चाह रहा है, जो भी शिक्षक बनना चाह रहा है इन कोर्सों को ही कर रहा है। जैसा कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो राजस्थान से हैं वहाँ पर BSTC चलता है, और इसको बोलते हैं जो स्पेशल एजुकेशन होती है, विशेष शिक्षा होती है, तो उसको बोल देते हैं यहाँ पर स्पेशल BSTC। तो दोस्तों, DED स्पेशल एजुकेशन को आप लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल BSTC। ऐसे ही यूपी में DED स्पेशल एजुकेशन बोला जाता है। ऐसे तो दोस्तों, इस वीडियो में कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी मैं आपको बता दूं कि जो यह कोर्स है DED स्पेशल एजुकेशन का जो कोर्स है, इसकी एलिजिबिलिटी रहती है 12th, यानी कि यदि बच्चे ने 12th पास कर लिया है तो यह कोर्स कर सकता है। 12th पास करने के बाद में बच्चा यह कोर्स कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फॉर्म कब से भरे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं फॉर्म, तो दोस्तों RCI यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, इसके द्वारा फॉर्म भरवाए जाते हैं, जिसमें या तो होता है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और या तो 12th की मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन लिया जाता है। तो इस बार ज़्यादातर जो चांसेस बन रहे हैं वो 12th की मेरिट के हिसाब से चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं आपके एडमिशन्स के फॉर्म। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 12th के मेरिट के हिसाब से ही बच्चों को कॉलेज दिए गए थे, और हर कॉलेज की जिस हिसाब से वहाँ पर फॉर्म्स पढ़ते हैं, पिछली बार क्या हुआ था, तीन तीन जो इंस्टीट्यूट थे उनको फॉर्म में भरवाया गया था। तो जिस इंस्टीट्यूट को बच्चा ज़्यादा भरता है वहाँ की जो मेरिट थी वो हाई जाती थी, तो प्रत्येक इंस्टीट्यूट की जो मेरिट थी वो अलग अलग रहती थी, कहीं पर लो जाती थी तो कहीं पर हाई भी जाती थी। अब हम बात कर लेते हैं विशेष शिक्षा की, यानी कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो दोस्तों, पहला कोर्स अगर होता है तो मैं पहले कोर्स की बात करूं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसका दोस्तों पुराना नाम क्या था, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक अक्षमता या मानसिक मंदता, या दोस्तों आपका एक कोर्स हुआ DED स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत। दूसरा कोर्स हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि श्रवण बाधिता, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनका यह कोर्स होता है। नेक्स्ट, ये नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो कोर्सेज होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैंने भी DED स्पेशल एजुकेशन और BED स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से किया, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन कह सकते हैं, जिसका पुराना नाम था मेंटल रिटार्डेशन। तो ये दो कोर्सेज आपके हुए। इसके बाद में विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि दृष्टिबाधिता, तो DED स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत यह भी एक कोर्स कराया जाता है। नेक्स्ट आपका सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि CP, जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यह एक कोर्स होता है। नेक्स्ट आपका होता है ASD, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्वलीन या स्वलीनता, तो एक कोर्स आपका यह होता है। नेक्स्ट आपका कोर्स होता है दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि बहुविकलांगता, एक कोर्स आपका यह होता है। तो लगभग इतने कोर्सेज आपके DED स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत होते हैं, और जिनमें से जो मेनली जो सबसे ज़्यादा कोर्सेज स्टूडेंट करते हैं वो तीन कोर्सेज होते हैं।
पहला आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसका नाम पुराना था मेंटल रिटार्डेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट। ये सबसे ज़्यादा कोर्सेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं जिनमें मान्यता की अगर बात की जाए, तो इन तीन कोर्सेज की सबसे ज़्यादा कॉलेजेस की मान्यता है, और सबसे ज़्यादा कोर्स इन तीन में से ही किए जाते हैं। या तो बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट से कर लेगा, या तो विजुअल इम्पेयरमेंट से कर लेगा, या तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से डीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर लेगा। तो इतना होता है आपका कोर्स। अगर बेहतर की बात की जाए, तो जो सबसे ज़्यादा किए जाते हैं कोर्स बेहतर यही हैं, आपके आईडी, एचआई और वीआई। देन उसके बाद में स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स चूज करते हैं, सीपी चूज करते हैं, उसके बाद में एएचडी चूज करते हैं और एमडी चूज करते हैं। तो इतने कोर्सेज उसके बाद में दोस्तों चूज करते हैं। लेकिन जो मेनली कोर्सेज हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कोर्स करते हैं, वीआई, एचआई और आईडी के कोर्स किए जाते हैं, तो और बेहतर भी आपके यही कोर्स होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि ग्रेजुएशन के बाद, तो आप लोग ग्रेजुएशन के बाद भी यह कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि यूपी, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ पर जो भी भर्ती निकलती है, चाहे वह आपकी 68,500 बड़ी भर्ती हो, चाहे आपकी 69,000 बड़ी भर्ती हो, अभी जो आपकी पुरानी भर्तियां देखने को मिली, तो इसमें विशेष शिक्षकों के लिए समान, यानी कि जितनी सीटें सामान्य शिक्षकों की थी, जितनी सीटें बीएड बीटीसी की थी, उसमें समान भागीदारी दी गई थी, समान भागीदारी कर सकते थे विशेष शिक्षकों, जो विशेष शिक्षा के स्टूडेंट थे वो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर अगर आप 12th के बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर खतरा हो सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में यूपी में डीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, तो आप लोग जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आती हैं, उसमें आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ने फॉर्म डाला भी था और पास भी हुए, और इस समय वो टीचर हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो वहां पर जो रीट की वैकेंसीज आती हैं, जो इस समय आई हुई भी हैं, तो वहाँ पर रीट में फॉर्म डाल सकते हैं अभ्यर्थी, शिक्षक बन सकते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में जो DSSB की जो वैकेंसीज आती हैं, तो यहाँ पर भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वैकेंसीज निकली भी थी, फॉर्म भरवाए भी गए थे। तो दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पर नए हों, तो वीडियो को लाइक करने के बाद में वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और काफ़ी सारी जानकारियाँ चाहने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।